दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए आज फिर से एक बार लाइव ट्रेडिंग के बारे में जानकारी देते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, उसमें टेलीग्राम के बारे में लाइव कॉल्स कैसे दिए जाते हैं वो भी जानकारी दे दूंगा। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अभी हमारा 100-200 के बीच में प्रॉफिट चल रहा है। जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा उसके बाद ऑप्शन का प्रीमियम डीके हो जाएगा, आपको तो पता है। लेकिन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि एंट्री लेने के लिए मिनिमम आपके पास 5 लाख रुपये होना जरूरी है। फिर भी देख सकते हो अभी 1400-1500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। जैसे ट्रेड क्लोज होगा आपको पता चलेगा कितना प्रॉफिट बुक किया हमने। एम 3000 का रखेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिए, मैं वीडियो में बैंक निफ्टी के ट्रेड करने के लिए लॉजिक क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की चीज़ें भी बता दूंगा। जैसे कि देख पा रहे हो अभी हमने स्क्रीन पे 3000 का लगभग प्रॉफिट बुक किया है। मैं आपको फिर से एक बार रिफ्रेश करके, चलिए मैं आपको स्क्रीन रिफ्रेश करके दिखाता हूँ प्रॉफिट एक बार। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ आपके लिए। तो हमने लगभग टोटल 3000 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक किया है। तो रीज़न क्या था, लॉजिक क्या होना चाहिए ट्रेड करते समय, ये सारी चीज़ें मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, यहाँ पे 22000 के आसपास ओपनिंग दी थी। उसके बाद एक शार्प फॉल आया, फिर से एक बार रिट्रेस किया और उसके बाद टोटल साइडवेज चला गया। ये जो मोमेंट है इसको साइडवेज मोमेंट बोलते हैं, आपको पता होगा। ये जो मोमेंट है इसमें साइडवेज मोमेंट बोलते हैं। तो रीज़न क्या था, मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ मैं। ये कल का दिन था, तो कल के दिन मार्केट पूरा एक साइडवेज था। कल भी पूरा साइडवेज, ना ऊपर ना नीचे, खाली एक ही रेंज में बना रहा था, जो लगभग 22070 से लेके 22420 के बीच में, मतलब 200-300 पॉइंट के बीच में रहा। तो कल वेंसडे था और आज थर्सडे है, मतलब गुरुवार है, आज वीकली एक्सपायरी होती है। तो हमेशा बुधवार के दिन एक हमें शार्प फॉल देखने मिलता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन 70-80% टाइम ऐसा ही होता है, क्योंकि कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो बड़े होते हैं। तो वो प्रीमियम का फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स हमेशा अपनी शॉर्ट पोजीशन बना लेते, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कल पूरे दिन साइडवेज होने के कारण कॉल के प्रीमियम वैसे ही बने रहे, तो उसके कारण मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। और भी कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट हो सकते हैं, फिर भी रीज़न तो यही है स्ट्रॉन्ग, तो इसके कारण गैप डाउन ओपन हुआ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है अभी, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले ही ओपन होने के बाद एक पैनिक सेलिंग आया, जहाँ पे लगभग 100-150 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की तरफ हो गई, उसके बाद ऊपर गया और फिर से एक साइडवेज आ चुका है। तो रीज़न क्या था, कैसे आपको पता करना है, तो ये मैंने कल के लिए, कल का जो दिन था ट्रेडिंग का, ये उसके लेवल से इसको हटा देता हूँ सबसे पहले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम फ्री में कॉल प्रोवाइड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। तो कल मार्केट ने यहाँ पे एक यू टर्न लिया था, ठीक है, कल मतलब परसों, डे बिफोर कल, ठीक है। तो और यहाँ पे एक यू टर्न था, तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ओके, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद आज का ओपनिंग होने के बाद, आपको पता है आज ऑप्शन, मतलब आज वीकली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलिंग किया जाता है, तो उसके कारण मार्केट एक रेंज में बना रहता है, ठीक है, ये रेंज हो गया। तो ये जो पूरा रेंज है, रेंज बाउंड मार्केट बोला जाता है इसको, तो देख सकते हो वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत थी। सबसे पहले एक बार नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक बार नीचे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर से ग्रीन कैंडल बना दिया, ऊपर जाने की कोशिश की दूसरी बार, लेकिन फिर से सेलर ने नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया। तो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो आप, ठीक है। तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन जाएगा, जैसे कि देख पा रहे हो स्क्रीन पे, एक ट्रायंगल पैटर्न। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होना चाहिए, इसका ब्रेकआउट नीचे होना चाहिए, क्योंकि ये गया, देख एक बार गया सपोर्ट, गया ऊपर, गया और ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट। तो ये पैटर्न अब जब बनाना सीख लोगे तो आपके लिए ट्रेडिंग ईजी बन जाएगा। तो देख सकते हो मैंने जो अभी ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल बना लिया है पैटर्न, उसका टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको दिखे तो आप शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन पहले ही मत बना लो। देखो यहाँ पे भी एक बार उसने नीचे आने की कोशिश की, लगभग टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, ठीक है, लगभग 20-30 मिनट टाइम स्पेंड किया है। तो हमेशा वेट कीजिए कि ब्रेकडाउन कब देता है, पहले ही यहाँ पे शॉर्ट मत करके बैठिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए। ऐसे ट्रायंगल पैटर्न में हमेशा डाउनसाइड ही ट्रेड लेना चाहिए, फिर भी वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना लिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइंग में ट्रैप भी हो चुके होंगे, फिर एक डोजी कैंडल बना लिया। डोजी कैंडल का इंपॉर्टेंस क्या है आपको पता है, ठीक है,
जब ये डोजी कैंडल का पैटर्न दिखे तब शॉप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बना लिया 22,000 के आसपास तो आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 50 से 60 पॉइंट होगा और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखिए कितना मिलेगा आपको, लगभग 200 पॉइंट मिल चुके हैं। तो ये होना चाहिए आपके पास। तो पैटर्न ढूंढना सीखिए, एनालिसिस कीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे हम प्रीमियम कॉल प्रोवाइड करते हैं, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।